मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सबको जय मसीह की। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किसी भी बात की चिंता ना करें। आपके जीवन में कोई भी दुख या कोई भी समस्या या कोई भी बीमारियां या कोई भी कर्जे हो, तो आप कभी भी किसी भी बात की चिंता ना करें। आप प्रभु के इन वचनों को हमेशा याद रखें। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप प्रभु के इन वचनों को याद रखेंगे, इन वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपको उत्तर देंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग इन वचनों पर विश्वास करें। आप लोग जानेंगे कि प्रभु आपसे क्या चाहता है, प्रभु आपको क्या बताना चाहता है। यदि आप प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे तो आप उनके वचनों को मानेंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि हमेशा हम में आनंदित रहो। प्रभु में आप हमेशा आनंदित रहें। प्रभु यही चाहता है कि आप हर समय खुश रहें, आनंदित रहें। आपके जीवन से प्रभु हर एक दुख समस्याओं को दूर कर देंगे। तो चलिए हम आप लोगों के साथ उन वचनों को शेयर करते हैं, और आप लोग उन वचनों को देखिए, और आप उन वचनों को लिखिए, और उन वचनों को याद करिए, और हमेशा अपने ज़िंदगी में उन वचनों पर चलिए, उन वचनों से प्रार्थना कीजिए, और उन वचनों पर हमेशा मनन करते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला वचन है भजन संहिता अध्याय 34 पद संख्या 17 और 18। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको संपत्ति से छुड़ाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता है और उनको सब विपत्ति से, आपके ऊपर कोई भी विपत्ति हो, प्रभु उन सारे से आपको छुड़ाता है। और 18 पढ़ते हैं, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए का उद्धार करता है। यदि आपका मन भी टूट गया है, आप निराश हो गए हैं, आप चिंताओं में चले गए हैं, तो प्रभु आपके समीप है, आपके पास है। प्रभु आपका उद्धार करेगा। प्रभु ये कहता है ना कि मैं संसार के अंत तक सदा सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमेशा आपके साथ है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग विश्वास करें, यदि आपका मन टूट गया, आप निराश हो चुके हैं, तो प्रभु आपका उद्धार करने वाला है। आप प्रभु पे भरोसा रखें। अगला वचन है भजन संहिता अध्याय 37 पद संख्या 24। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप अपने जीवन में निराश हो गए, हताश हो गए, आप टूट चुके हैं, आप लोग गिर चुके हैं, आप लोग अपने दुखों से दब चुके हैं, तो प्रभु आपको दबने नहीं देगा। प्रभु आपको उन दुखों से निकालेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उनका हाथ थामे रहता है। प्रभु आपको सहारा देगा, आपको उठाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग विश्वास करें। हम पिछले वचन में पढ़े थे कि धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, भजन का दाऊद कहता है भजन संहिता अध्याय 142 पद संख्या 2 में, मैं अपने शोक की बातें उससे दिल खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके सामने प्रकट करता हूँ। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आज आपके जीवन में कोई भी दुख, कोई भी समस्या, कोई भी चिंताएं हैं, तो आप अपने दिल खोल कर प्रभु के सामने सारी चीज़ों को रख दें। प्रभु आपकी हर एक चीज़ों को दूर करेगा, प्रभु आपकी दुहाई को सुनेगा। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं, चिंताएं हैं, आप लोग अपने दिल खोल कर सारे समस्याएं, सारे चिंताओं को प्रभु को दे दें, प्रभु को बता दें। प्रभु आपके जीवन से हर एक दुख, हर एक समस्याओं को दूर करेगा और आपको आज़ाद करेगा, और आपको एक नया जीवन, एक नया बल देगा। आप लोग इन वचनों पर विश्वास करें और हमेशा प्रभु को दुहाई दें। अपने परिस्थितियों में, अपने खराब परिस्थितियों में, आपके निराशा के समय आप प्रभु को दुहाई दें। प्रभु आपकी सुनेगा और आपका उद्धार करेगा। अगला वचन है अय्यूब अध्याय 11 पद संख्या 17, तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। मेरे दोस्तों, यदि आज आपके जीवन में दुख, समस्याएं, चिंताएं, ये आपके जीवन में टिकी ना रहेगी, एक सा नहीं रहेगी, आपके जीवन से ये दुख समस्याएं जाएगी और आपके जीवन में एक प्रकाशमान आएगा, आपका जीवन एक दोपहर की तरह प्रकाशमान होगा। मेरे दोस्तों, प्रभु ये वचन कहता है, प्रभु पे विश्वास करें। प्रभु का ये वचन है, प्रभु बोलते हैं कि तेरा जीवन प्रकाशमान जैसा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, दोपहर का प्रकाश किस तरह से बढ़ता रहता है, उसी प्रकार आपके जीवन से वो सारा दुख जाता रहेगा और आपके जीवन में प्रकाशमान आता रहेगा, आपका जीवन खुशियों से भरता रहेगा, आपका जीवन, आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग प्रभु पे विश्वास करें। प्रभु का वचन अटल है और आपके जीवन में ये कार्य, ये वचन आपके जीवन में जरूर पूरा होगा। आप प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करें इन वचनों पर और आमीन बोलें। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सबको जय मसीह की।